हाय फ्रेंड, आज हम स्प्लाइसिंग के बारे में देखते हैं। ये मेरा स्प्लाइसिंग मशीन है, वो भी मेरा इनो कंपनी का है। व्यू 6S ARC फैशन स्प्लाइसर है। इसमें ARC सिस्टम दिया है। ARC सिस्टम वो सिस्टम होता है जो फाइबर को लॉस में जोड़ने के बाद उसको ARC से लॉस कम किया जा सकता है, उसके बाद मेरा फाइबर सही हो जाएगा। तो ये ARC सिस्टम होता है। तो हम पहले देखते हैं कि इसको ऊपर उठाना पड़ता है। इसको इस तरह से उठाना है, ये ऊपर आता है, फिर यहाँ फाइबर रख करके इस तरह से दबता है, यहाँ भी फाइबर रखे इस तरह से दबता है। फाइबर रखने के बाद, दबा के रखने के बाद ये इसको साइज में करता है, अपने अकॉर्डिंग साइज में करता है। और उसके बाद ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये फाइबर को इधर उधर नहीं जाने देता है, ये फाइबर को इधर से एडजस्ट करता है अपने अनुसार, इधर से। उसके बाद एडजस्ट होने के बाद ये यहाँ से है, उसके बाद स्प्लाइस होता है ये। और आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ वहाँ पर लेंस होता है, उस लेंस के माध्यम से फाइबर जो है ये हमारा यहाँ डिस्प्ले में दिखाएगा, ये मेरा डिस्प्ले में दिखाएगा। तो अभी हम ऑन नहीं किए हैं, तो ऑन करने के बाद स्प्लाइसिंग करेंगे तो वो मेरा डिस्प्ले में आएगा। और फाइबर जो हमको रखना है, इसमें फाइबर जब रखेंगे तो ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रोड इधर का ये है, और ये ब्लू जो दिख रहा है ब्लू से आगे, और रेड जो है ये है इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, इसे पीछे रखना है। और इधर का फाइबर रखेंगे तो ब्लू जो है ये दिख रहा है ब्लू, उससे आगे रखना है। ये सीधा जो दिख रहा है इलेक्ट्रोड, उससे पीछे रखना है, इस तरह से है। और इसके बाद हीटिंग का देख लेते हैं। हीटिंग 25 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग करता है ये। यहाँ देखिए, ये 45 का ये रहता है, 45-50-60 एमएम का स्लिप तक की हीटिंग कर सकता है। तो मेरा ये इसको मतलब बीच में रख करके हमको इसको ये कर देना है, ऑटोमेटिक किया हुआ है ऑटोमेटिक, उसके बाद ये हीटिंग हो जाएगा। तो अभी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ये मेरा पिक्टल है, तो पहले से जोड़ा हुआ था, इसको हम काट के हटा लेते हैं। मेरा किधर गया, ये मेरा देखिए मेरा स्लीव है, इसे एक स्लीव निकालते हैं। इसमें GI लगा हुआ रहता है, यहाँ इसमें दिखाई दे रहा होगा फाइबर यहाँ डालना है। जैसे देखिए यहाँ देखिए फाइबर इससे लग गया इसे। इसके बाद ये मेरा स्टीपर है, पुरान हो गया है दोस्तों, लेकिन मुझे तो काम करने से ज़रूरत है। जो बड़ा एक नंबर में जो दिख रहा है, जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, वो ट्यूब प्रिपरेशन के लिए है। ट्यूब हम कभी आपको कोई वीडियो में दिखाएंगे ट्यूब। और उसके बाद मिड वाला है, तो इस तरह से जो है इसके लिए है। और जो सबसे शॉर्ट साइज का है, जो फर्स्ट में है, वो मेरा फाइबर का लेयर हटाने के लिए, फाइबर प्रिपरेशन के लिए, यानी समझिए एक तरह से। तो हम इसको भी प्रिपरेशन करते हैं, इसको स्टिप करते हैं, फाइबर स्टिप के लिए है। तो ये हो गया, तो ये वाला ऐसा को सबसे शॉर्ट वाला से करना है। तो ये इसका अभी ये जो है क्लीवर जो साइज ये हो गया है, तो उसको साइज करने के लिए यहाँ है, तो यहाँ एलंकी लगता है, ये एलंकी से इसको घुमाया जाता है, इसको भी पोजीशन में लाया जाता है, ये हो गया। इसके बाद ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर मोड़ के रखे थे, ये अल्कोहल है, दिखाया रह जा रहा है, 50 ml, 40 ml, 30 ml, 20 ml, 10 ml, 50 ml तक का है, ये डेंजर है, इसको पीने से नुकसान है, प्योर अल्कोहल होता है। उसके बाद अल्कोहल दे करके टिश्यू पेपर से साफ़ कर देनी है। और ये मेरा है क्लीवर, ये 90 डिग्री में फाइबर को कट करने के लिए है, इसका भी पोजीशन दिया हुआ है। देखिए 5, 10, 16, 20, 24, यानी 5 से लेकर 24 तक है, कहीं यहाँ भी रख करके कहीं, यानी आपका स्लीप कितना बड़ा है उसके अनुसार से इसको रख करके काटना है। तो अभी हम 10 में रख के काटेंगे। ये पतला जो है ये दिखाई दे रहा होगा, पतला जो है यहाँ देखिए पतला है, यहाँ रखाएगा, मोटा वाला जो इधर है ऐसा वाला है, तो इसको यहाँ रख करके कटिंग करना है। इसका ब्लेड यहाँ देखिए, यहाँ इसका ब्लेड लगा हुआ है, इधर से भी दिखाई देगा, यहाँ देखिए पेचकस, इसको घुमा करके इसको भी पोजीशन में लाया जाता है। मेरा 1 से लेकर 16 तक इसका पोजीशन है, यानी एक पोजीशन में, यानी फाइबर कट करते करते ख़राब हो जाएगा, यानी अच्छा कटिंग नहीं करने लगा, 90 डिग्री नहीं कट कर रहा है, उसके बाद दूसरे पोजीशन में इसको पेचकस से घुमा करके ला सकते हैं। तो फिर से इस बार एक बार इसको साफ़ कर लेते हैं।
ये हो गया, इसको देखिए मोटा वाला हम रखे हैं। इसके बाद इसको ऐसे करना है, इधर दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाए हैं ये वाला, इसको इसे धक्का देना है। कटिंग हो गया, इसको उठा देना है, ये हो गया। इसको देखिए ब्लू से आगे रखे हैं, इलेक्ट्रो जो सीधा लाइन है उससे पीछे, और रख के इसको इसे दबा देना, कुछ नहीं करना है। इसको उठा लेते हैं इसको रखने के लिए, इस तरह से हो गया। फिर दूसरे तरफ का फाइबर स्टिप करते हैं, हो गया। इसको टिशू से साफ करते हैं, इसको 10 नंबर में रख के इसको कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हो गया जिस तरह से बताया था, उसी तरह से जिस तरह उसको रखें उस तरह से इसको, इसको भी उसी तरह से रखना है। इसको ऑन नहीं किए थे दोस्त, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। मशीन ऑन हो गया, रिसेट कर लेते हैं। रिसेट हो गया मेरा, इस तरह से मेरा डिस्प्ले रहेगा। फाइबर लगाने के बाद ये मेरा ऑन ऑफ का बटन है, ये RC रिसेट और सेट और हीट, इतना बटन काफ़ी मेरा ज़रूरी है स्लाइसिंग करने के लिए। तो मेरा इस तरह से लगाने के बाद इसको सेट कर देना है। देखिए मेरा फाइबर आगे बढ़ रहा है, देखिए आ रहा है। इसको क्लिप एंगल ओवर कट, इसका कट सही नहीं हुआ, इसे निकालना है, ऐसे इधर से रखना है। फिर से स्टिप करते हैं इसको, हो गया। अल्कोहल डाल दिए, इसको गिराने में ऑटोमेटिक ले लेगा, ऑटोमेटिक किया हुआ था। स्प्लाइस कंप्लीट, लॉस 0.01 dB। ये हीट 50 mm में अभी इसका सेटिंग है, सेटिंग का बारे में बाद में बताएंगे दोस्त, अभी स्प्लाइसिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सेटिंग का वीडियो में अगले वीडियो में मैं लाऊंगा सेटिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं इसको उठाना है ऊपर, इसको इस तरह से उठाना है, इस तरह से आराम से, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसको चाहे तो ऐसा कर दीजिए, इसको उठा लेते हैं और इसको देखिए यहाँ पकड़ना है, सीधे इसको इसे गिरा देना, अपने आ गया। और इसको इसे करके इसको यहाँ दबा देना है, ऐसे हीटिंग हो रहा है। हीटिंग होने के बाद यहाँ रेड सिग्नल जलता है, ऑटोमेटिक किया हुआ है, नहीं तो हीटिंग का बटन दबाना पड़ेगा, सेट का बटन दबाना पड़ता है, लेकिन मेरा ऑटोमेटिक किया हुआ है। इसका भी मैं अगले वीडियो में मैं लाऊँगा सेटिंग किस तरह से होता है। तो अभी बस इतने ही, ये हीटिंग कम्प्लीट, अब इसको निकाल देना है आराम से। इसको देखिए किस तरह से हीटिंग हो चुका है, इसको आराम से रख देना है, बस हो गया। इसको जिस बटन से ऑन किए थे वही बटन से इसको ऑफ कर देना है, ऑफ हो गया इसको इस तरह से। अब इसको चार्ज, अब तो ये हो गया, ये बैटरी से चलता है, इसको चार्ज कहाँ से करेंगे। एक तो चार्ज यहाँ का देखिए आपका ये पिन होना चाहिए, ये USB दिया हुआ है, ये पिन आपका पास होना चाहिए, ये पिन है तो चार्ज कीजिए। और नहीं तो फिर कहीं ऐसा जगह में आपको चार्ज लगाना है जहाँ से आपको लगता है कि मशीन रखना हमको खतरे का मोल है, या हमको लगता है कि मशीन रखना यहाँ अच्छी बात नहीं है, चोरी हो सकती है या कुछ भी है, तो आप इसको पुश कीजिए बैटरी, इसको पुश कर कीजिए और बैटरी को ऐसे दबा दीजिए, तो इधर से इसको खींच दीजिए और यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ लगाइए, इसको चार्ज लगा के छोड़ दीजिए। और ये चार्जिंग कितना ये देखने के लिए यहाँ पुश कीजिए, ये 4 फुटी बैटरी इसका चार्ज है, फिर कुछ नहीं, इसको इस तरह से लगा देना। थैंक यू दोस्त, मैं बता रहा था अभी कि मैं मतलब स्प्लाइसिंग मशीन में सेटिंग का वीडियो मैं लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी लाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।